इतनी धूल है यार। मम्मी डस्टिंग तो कम से कम राजुल से करवा लो, उठा दो ना उसे। राजुल उठ जा बेटा, 8:30 बज गए, मेहमान आने वाले हैं। हाँ इतनी आसानी से थोड़ी ना उठेगा वो, सारी रात गेम्स खेल रहा था आपका बेटा। गेम तो मैं बंद कराऊंगी अभी। बेटा तेरा गैस बंद कर दे जाके। राजुल उठ जा। अरे तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? वैसे तुम इस मेकअप में जचती बहुत हो। मेकअप? अरे धूल लगी है तो तुम धूल का फूलो। चुप रहो जी आप, कुछ भी। हाँ हाँ दो हाथ दो। अरे मैं नहीं दूंगी। अरे मैं उतरने के लिए मांग रहा हूँ। बहुत रोमांटिक हो जाते हैं। अच्छा जाके उतरो, जल्दी से जाके सिलेंडर लेके आओ, सब्जी लेके आओ, और वो हाँ कचोरियाँ ना भूलना, उनको अच्छी लगती है। राजू लूट, अभी चप्पल पड़ेगी मुंह पे। अरे सुनो सुनो, एक मिनट ठहर, पंखा चेक करने दो मुझे। यार मम्मी संडे के दिन तो सोने दो। वो गोले के ऊपर का साफ नहीं किया आपने, साफ करो ठीक से, नाक कटाओगे क्या मेरी? अरे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे गंदी फरक? गंदी जुराबे पहन के हॉस्टल में घुमा करता था। देखो उनको नहीं पर मुझे फर्क पड़ेगा, आप ऊपर चढ़ो। अरे वापस ऊपर चढ़ो। नहीं यार चढ़ो चढ़ो यार। नहीं हो गया हो गया। अरे यार कोई सुनता ही नहीं मेरी, हे भगवान। राजुल क्या है यार मम्मी? अरे क्या कर रहे हो, क्या दिख नहीं रहा है? सफाई कर रहे हैं, त्रिपाठी अंकल आने वाले हैं। त्रिपाठी अंकल आ रहे? हाँ। अरे वो जो सुलेखा है ना, उसका एडमिशन कराना है ना, इसलिए आ रहा है वो। अरे तो इसी को लिस्ट दे दो ना, सामान लाएगा। हाँ हाँ तो ही चला जा। दिल में लड्डू फूट रहे हैं, पेशेंस के धागे टूट रहे हैं, दिल में लड्डू फूट रहे हैं, पेशेंस के धागे टूट रहे हैं। अभी जा बच्चे की जान लेगी क्या, अभी जा अब तू रुलाएगी क्या, मेरे यार 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 अभी जा, मैं कर रहा हूँ इंतजार। नहीं वैसे का वैसे ही है। अरे इसको तो कम कर। अरे अरे हो जाएगा उसमें क्या है। अरे भाभी जी को नहीं लेके आए आप? भाभी जी हमने तो बोला था चलो, लेकिन वो मानी ही नहीं। मुझे लगता है उसका ना मन लगता है मेरे लिए। सच बता रहा हूँ भाभी जी आपको मैं। नहीं हाँ सच में ऐसे ही लग रहा है मेरे। सच बता रहा हूँ। कुछ भी। अरे उधर क्या खड़े, इधर पैरछो पैरछो अंकल के। अरे खुश रहो बेटा खुश रहो। नमस्ते अंकल। बड़ा हो गया, 4 साल पहले देखा था बेटा। और कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है अंकल। अच्छा भाभी जी, सुलेखा ना पहले आने से मना ही कर रही थी, मैंने बहुत बोला उसको, कह रही कि पापा आप चले जाओ, मैं क्या करूँगी जाके वहाँ पे। फिर मैंने फाइनली बोल दिया, मैंने कहा देखो भाई ऐसा है तुम्हें रहना है कोटा में, ठीक है, कहाँ पर क्या है कहाँ जाना है सब देखो, तब जाके मानी, तब आइए ये। एक बात बता दूं आपको, जब मैंने 3 डेज देखी थी ना तो तभी डिसाइड कर लिया था कि इसको ना इंजीनियरिंग करानी है। अच्छा। लेकिन इसको डॉक्टरी करनी है। अच्छा गुड डिसीजन। हाँ अच्छा है। हाँ हाँ बेटा मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि जैसे ही इसकी डॉक्टरी पूरी हो जाए एक अच्छा सा डॉक्टर लड़का ढूंढ के इससे शादी कर दूंगा। जल्दी शादी क्यों? हाँ। बच्चे को पढ़ने दे। दे भरी हो रही है। लेकिन अंकल शादी तो किसी इंजीनियर से भी हो सकती है ना, इंजीनियर लड़के भी तो अच्छे हो सकते हैं। हाँ वो तो हो सकता है बेटा, लेकिन बेटा क्या है ना डॉक्टर की ना डॉक्टर सी जमती है,
है कि नहीं? सही बात है। बेटा कोई इंस्टीट्यूट सोचा है आपने? हाँ जी आंटी, एक का सोचा है, काफी अच्छे रिजल्ट्स है वहाँ के, तो कल सोच रहे हैं कि इंक्वायरी कर लें वहाँ जाके। क्या नाम क्या है? मोशन एजुकेशन। अरे वाह, ये तो मेरे वाला है, मैं तुम्हें घुमा दूंगा, मतलब अंकल आपको भी, और पूरा कैंपस टूर भी करवा दूंगा। तू कैसे घुमा देगा? क्लासेस है ना कल पूरा दिन तेरे, मम्मी एनवी सर ने बुलाया डाउट्स क्लियर करने, मिस थोड़ी ना करेगा। अच्छा तो तू ले जाना, तेरा तो ऑफ है ना, तू मत जा। ठीक है जैसे बोलो। हां तो ये ठीक रहेगा है ना? हां चले आना बेटा। हाय हाय, आ गई तुम? नहीं घर पे है अभी भी, ये तो हमारा भूत खड़ा है। आओ ना, मैं तुम्हें पूरा कैंपस घुमा देता हूँ। हाँ सारी क्लासेस मिस कर दे आज तू, पढ़ाई पे ध्यान दे चुपचाप, मैं दिखा दूंगी उसे कैंपस। चले यार, ये उर्वी ना मेरा काम खराब करके ही रहेगी। क्यों? सेवन्थ में इसका एक बॉयफ्रेंड था तो मैंने बता दिया कि अभी भी बैठ गिला करती। क्या हुआ? अगले दिन भाग गया। ये भी भाग जाएगी तू, चल। दो तेको घर से यहाँ तक का रास्ता समझ में आ गया ना वैसे? हाँ। तो ठीक है, अगर तू ज्वाइन करेगी ना तो मैं तुझे स्कूटी पे ले आया करूँगी, आज भी पैदल आ जाएगा, रस्ते आ जाएगा, थोड़ा साइड हो जा भाई। तो तब तक मैं देखो ना यहाँ का सारा कुछ समझा देती हूँ क्या क्या कहाँ कहाँ है। ये ना हमारा डाउट क्लियरिंग रूम है। ओके रुक दिखा दो तुझे। यहाँ पे ना हमेशा सारे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, तो आप कभी भी आके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। ओके और जो हमारे राजुल भाई हैं उनको तो पता ही नहीं होगा इस रूम के बारे में, पढ़ाई करेगा तो डाउट्स क्लियर होंगे ना। आप दोनों के बीच कुछ इश्यूज हैं क्या? अरे नहीं नहीं भाई है मेरा छोटा, ऐसे कोई इश्यूज नहीं है, हम क्लोज हैं, बस बेचारा ना दो तीन क्लास टेस्ट से फेल हो जा रहा था, तो मैंने सोचा एज अ बड़ी बहन फर्ज है मेरा। अच्छा वैसे ये हमारी कैंटीन है, यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है, चॉकलेट्स ये वो जो चाहिए हो तो चाहिए। एंड ये है हमारा सेल्फ स्टडी रूम, सेल्फ यहाँ आके मैं शांति से पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि घर में राजुल का बच्चा मुझे इतना तंग करता है ना, यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। चला गया तो ये जगह ना मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर है, पता क्यों? सारे हॉट लड़के यहीं पर घूमते हैं। मृदुल हाय। हाय रवि। ये सुलेखा है, सुलेखा ये नील का सबसे हॉट। अबे 25 पटा चुका है बंदा अब तक। और ये ना तेरे को कोई प्रॉब्लम हो, तेरे को कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, बेझिझक इससे पूछ लेना। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स एनी टाइम। यार एक्चुअली अभी अगर तू इसे लैब दिखा दिया तो बड़ी हो जाएगा, मेरे को सर से मिलना है। हां आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फिर जाओ, बाय। ओके चले। कर ली अपने मन की, ले लिया बदला? नहीं अभी तो मेरा मास्टर शो बाकी है। एक्सक्यूज मी। अबे क्या है ये? यार सुलेखा का क्या करूं? सिंपल है, देख दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ प्यार करते हैं बकवास एक नंबर के, और दूसरे होते आशिक, शिद्दत से प्यार करने वाले,
अंदर से प्यार करने वाले, तू ना आशिक बन, लेटर लिख दे उसे। सही है ना? व्हाट्सएप पे लिख देता हूँ। पागल है क्या, व्हाट्सएप पे कौन लेटर लिखता है? कागज, कागज कैसी खुशबू आनी चाहिए, प्यार हो जाना चाहिए अंदर से, है ना, फील आना चाहिए। हाँ, और सुन, ढंग के शब्द यूज करियो, ठीक है? जैसे कि, जैसे कि हाँ, प्रियतमा, प्रियतमा, इश्क, इश्क, माशुका, सब बता रहा हूँ, पट जाएगी भाई सच में। हाँ हाँ सही है यार। और सुन, संस्कारी लगना चाहिए, संस्कारी, लिखचड़ नहीं। सही, बेस्ट आइडिया है। ऐसे साले, तेरे पास ये ज्ञान कहाँ से आया है? तू यार आम खा, गुटली मत, गुटली मत है ना, गुटली मत। इसके पैसे ना तुझे देने लगाऊंगा। हाँ दे दूंगा। मेरी प्यारी सुलेखा, नहीं नहीं सुलेख नहीं यार, हाँ मेरी प्यारी सुल्लू, बड़े ही प्यार और दुलार से ये खत लिख रहा हूँ। आज से 4 वर्ष पहले जब तुम कोटा से प्रस्थान कर गई थी, मेरा जीवन एक सूखी नदी की तरह हो गया था, जिसमें उमंगों की नाव नहीं, सिर्फ नोकीले पत्थर ही दिखाई देते थे। पर जब तुम्हारे वापिस आने की खबर मिली तो मेरा दिल कबूतर बन के उड़ने लगा। कल क्लास के बाद मैं तुम्हारी चंबल बाग के तालाब के पास प्रतीक्षा करूंगा। अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो जरूर आना। अगर तुम नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई लगाव नहीं है और हमारे पथ कभी एक नहीं हो सकते। क्या हुआ? अंदर आ। क्या हुआ मम्मी? क्या ये मम्मी? वो कुछ शर्म है तुझे? हम्म, ये सब सिखाया मैंने तुझे? त्रिपाठी अंकल को पता चल गया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कभी सोचा है तूने? मम्मी नहीं बेटा, गलती ना मेरी है, मेरी गलती है, ये मैंने तुझे छूट दिया ना, इसीलिए ये सब कर रहा है। तो एक बात याद रख लो, अभी ना अपनी पढ़ाई ठीक से पूरी करो और ये जो तेरी बदतमीजी है ना, ये बंद कर, तो ऐसे थप्पड़ पड़ेंगे ना। चलो जाओ। राजुल, नया गेम शुरू कर रहे हैं, आजा खेल ले। राजुल, राजुल चल, खाना खाने के लिए बुला रही है मम्मी। क्या हो गया तुझे? खेलिए मास्टर स्ट्रोक, मिल गई खुशी। क्या बात कर रहे हैं? ज्यादा भोली मत बन यार, सेवेंथ में हम सब छोटे थे,
मैंने जो किया वो बचपने में किया। एक मिनट, क्या बकवास किए जा रहा है, किस बारे में बात हो रही है, बता तो दे। तेरी जैसी बहन होने से अच्छा तो कि बहन ही नहीं होती। अभय त्रिपाठी, तू यहाँ क्या कर रहा है? नीचे कॉफी बनी है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बेटा, पता है? क्या सोच रहा है यार? मेरा ना कोटा से ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था, यहाँ की बात ही अलग है, वहाँ शहर में सुकून ही नहीं है। नोट तो छाप रहा है ना? नोट छापने वाली क्या बात है, यहाँ पे तूने प्लॉट ले लिया, ऐश कर रहे है ना तू? प्लॉट लिया है, रहता तो रेंट पे ही हूँ ना। सोच रहा था खुद का घर बनवाऊंगा, बाबूजी को दिखाऊंगा, उनको अपने साथ रखूंगा। आजकल तो वो बीमार भी है, पता नहीं। यार शर्मा, एक टाइम के बाद ना सब बच्चों के माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चों का परिवार खुशहाल हो, ताकि वो उनके भरोसे उन्हें छोड़ के जा सके। और तेरा परिवार खुशहाल है। राजुल यार, ये फॉर्म सबमिट करवा देना प्लीज। थैंक यू। कर पाएगा अच्छे से? yes, एकदम पक्का? गलती तो नहीं करेगा? चल टेक केयर, बाय बाय, देख ले है ना। हाँ भाई सर। हाँ सर, एक्चुअली मुझे ना थर्मो में थोड़े डाउट्स थे। तो आपका थोड़ा टाइम कब मिल सकता है? कल आज लंच के बाद। ठीक है सर। क्लास तो नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है। और ये हीरो को क्या हुआ? सर एक्चुअली मैंने उसके साथ एक छोटा सा प्रैंक कर दिया था। तुम लोग भी ना अपनों को ज़्यादा नाराज थोड़ी रखते हैं, उसको मना ले और कल आ जा, डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। हाँ बैठो। कोई नहीं आएगा, सब बाहर हैं। सी ऑफ करने नहीं आओगे तुम? गुस्सा हो? नहीं। I'm sorry, मुझे तुम्हारा लेटर मिसप्लेस हो गया। क्या मतलब, तुम्हें मेरा लेटर मिला था? हाँ, लेकिन वो मुझे हो गया था। इसका मतलब उर्वी ने वो लेटर मम्मी को नहीं दिया था? लेटर आंटी के पास? हाँ। Shit, I'm really sorry, मेरी वजह से। नहीं नहीं, it's okay, उसके डांट में खा चुका हूँ। Shit, I'm sorry। वैसे तुम आई क्यों नहीं? अरे वो कल पापा हरीश अंकल के घर गए थे, तो मुझे भी साथ ले गए, इस वजह से नहीं आ पाई। वैसे तुम्हारी टांग खींचने में बहुत मजा आया। मतलब? उर्वी ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था तुम्हारे बारे में, तो मैं और उर्वी मिलके तुम्हें परेशान कर रहे थे। सॉरी, कुछ ज़्यादा परेशान कर दिया। थोड़ा सा। सॉरी। इट्स ओके। तो वो लेटर का जवाब क्या है वैसे? सुलेखा। हाँ।
सुनो, तुम ना डॉक्टर बन जाओगी। राइटिंग बहुत गंदी है तुम्हारी। रूबहू लगती हो तुम जैसे तारों में है चांदनी, अगला सा क्यों हो जाता हूँ, पल भर में देखूं तुझे जब कभी। अभी जा, बच्चे की जान लेगी क्या, अभी जा, अब तू रुलाएगी क्या, मेरे यार 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 अभी जा, मैं कर रहा इंतजार दार दार अभी जा, ओ मेरे यार 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 अभी जा, मैं कर रहा इंतजार दार दार अभी जा, अभी जा, अभी जा, मेरे यार 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 अभी जा, अभी जा। हाय गाइस, यार ये राजू और सुलेखा साथ में कितने क्यूट लगते हैं ना। बिल्कुल हमारी तरह ना। यार लेकिन मेरे को ना एक चीज की टेंशन हो रही है, ये मम्मी ने राजू को मना किया था कि सुलेखा के आसपास भी नहीं भटकना, अब उनको पता चलेगा तो गुस्सा नहीं आएगा उन्हें। हाँ यार, और पापा और त्रिपाठी अंकल की दोस्ती में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। आपको क्या लगता है ये, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और राजुल और सुलेखा का प्यार इस कहानी को क्या नया दिलचस्प मोड़ देता है, ये जानने के लिए देखते रहिए खट्टा मीठा। एंड सब्सक्राइब टू आरवीसीजे।